हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी आईक्यू चैनल। इंडिया में जिस तरीके से कोविड के केसेस राइज हो रहे हैं, दिल्ली में फोर्थ वेव ऑफ कोरोना चल रही है। हर दिन 1.5 लाख से ज़्यादा कोरोना केसेस मिल रहे हैं और सिर्फ यूएसए से नंबर में कोरोना केसेस में हम पीछे रहे हैं। ऐसे में सरकार काफ़ी प्रोडिक्शन कर रही है कोविड वैक्सीन का, लेकिन फिर भी केसेस के अकॉर्डिंग, कहे अगर सिंपल इकोनॉमिक लैंग्वेज में बोले तो डिमांड के अकॉर्डिंग सप्लाई नहीं हो रही है। और उसमें जब हम वैक्सीन डिप्लोमेसी लेके आते हैं, और जिसमें हमने बहुत सारी 60 मिलियन जो वैक्सीन डोजेज हैं उनको हमने बहुत सारी कंट्रीज में भेजी हैं, 37 कंट्रीज में तो हमने फ्रीली अवेलेबल कराई हैं, क्वेश्चन ये उठता है कि क्या जो स्टेट कंट्री में है, क्या उन पे सरकार का कितना ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो लो वैक्सीन की सप्लाई हो रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग लो हो रही है और जो कोरोना के केसेस राइज हो रहे हैं, क्या उनको कंट्रोल करने में भी उतनी एजिलिटी दिखानी पड़ेगी। इस बारे में बात करेंगे आज कि क्या सिचुएशन है स्टेट्स में वैक्सीन का और कोरोना के जो केसेस राइज हो रहे हैं उनको किस तरीके से इसमें डील कर सकते हैं। मेरा नाम संतोष है। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पे little_simple_buddha पे सर्च करके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इस वीडियो का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कमिंग टू द न्यूज़, अभी रिसेंटली 11 अप्रैल 2021 को बहुत सारे स्टेट्स ने ये डिक्लेयर करा था कि दे आर रनिंग लो ऑन दी वैक्सीन, डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो उस डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो इंडिया में 4 दिन का स्पेशल वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया गया है, टीका उत्सव जिसे हमने बोला है। जैसे कि एक मुझे टीका उत्सव सुन के एक महोत्सव याद आ रहा है, इफ़ यू कैन रिलेट महोत्सव, जब हम वनारोपण लाइक वृक्षारोपण करते हैं, तो इस तरह का एक टीका उत्सव चलाया गया है। देखो बाकी अदर देन महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो लो ऑन वैक्सीन डोज चल रही है, जहाँ पे वैक्सीन की सप्लाई काफ़ी कम है। अभी तक लगभग 10 करोड़ लोग ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, उसमें 60% जो वैक्सीनेशंस हैं, जो 60% तक की जो डोज है वो सिर्फ 8 स्टेट में से आती है, एंड दैट इज़ महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, यूपी, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश एंड केरला। मेजर स्टेट्स जहाँ पे केसेस का राइज भी बहुत ज़्यादा था, जहाँ पे केसेस की रिपोर्टिंग सबसे ज़्यादा थी, वहाँ पे 60% तक की डोजेस हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र होल्डिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कोविड केसेस, जहाँ पे फाइनली लॉकडाउन लगने की बातें हो रही है, तो ये भी इट इज़ ऑल्सो रनिंग लो ऑन द वैक्सीन, क्योंकि डिमांड यहाँ पे एक्सेसिवली ज़्यादा है। हर वीक में 40 लाख डोजेस हालांकि इनको चाहिए ताकि इसकी ह्यूज पॉपुलेशन की जो डिमांड है उसको फुलफिल करा जा सके। लास्ट वीक में ही काफ़ी सारे टेम्प्रेरी शट वैक्सीन सेंटर्स थे, इट हैज़ टेम्प्रेरी शट द वैक्सीन सेंटर्स इन मुंबई, सतारा, पनवल और बाकी बहुत सारे ऐसे टाउन्स थे जहाँ पे वैक्सीन सप्लाई जहाँ पे होती थी उनको बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पे ख़त्म हो गई है, वैक्सीन की कोई सप्लाई है ही नहीं। और दूसरी तरफ सप्लाई ने सेंटर ने ये भी एडमिट करा है कि जो सप्लाईज हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं, लेकिन देर इज इनफ फॉर एवरीवन, सबको वैक्सीन मिलेगा। हालांकि ये इट इज़ नॉट लाइक यूनिवर्सल अडल्ट वैक्सीनेशन अभी स्टार्ट नहीं करा है, अभी तक अगर आपकी एज 45 से अबव है तभी आपके लिए मैंडेटरी करा गया है, या फिर जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं उनके लिए कोविड वैक्सीन को मैंडेटरी करा गया है। लेकिन इंडिया बीइंग वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री, इंडिया बीइंग लाइक जहाँ पे इसका 60% तक का पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 35 फॉल करता है, वहाँ पे जब बिलो 45 ईयर वालों को वैक्सीन लगना स्टार्ट होगा तब वैक्सीन की सप्लाई की डिमांड और भी ज़्यादा क्रंच हो जाएगा। ऐसे में इंडिया में अभी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन 13.5 करोड़ का हो चुका है, जिसमें लगभग 10 करोड़ वैक्सीन ऑलरेडी लग चुकी हैं। यहाँ पे बाकी लगभग 2 करोड़ वैक्सीन स्टॉक्स में है और सिर्फ लगभग 2 करोड़ वैक्सीन पाइपलाइन में हैं। तो ऐसे में जब हमको 60% ऑफ द पॉपुलेशन को भी वैक्सीन लगानी है और सिर्फ 2 करोड़ वैक्सीन हमारी पाइपलाइन में है, देयर इज अ डायर नीड कि हम मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज करें। इंडिया ने ऑलरेडी 45 मिलियन COVID-19 वैक्सीन शॉट्स जो हैं वो अक्रॉस द कंट्री पहुंचाए हैं, ऐसे के अंदर 60 मिलियन डोजेस जो हैं वो 76 नेशंस के अंदर हमारे कोवैक्स जो WHO का बैकडिक मैकेनिज्म है, जहाँ पे और जैसे पार्ट ऑफ द कमर्शियल डील हो, जो कोवैक्स में हम फ्री देते हैं, कमर्शियल डील में हम लोग पे लेते हैं, तो इन दोनों के अंदर अराउंड द ग्लोब इंडिया की वैक्सीन पहुँचाई जा रही है अंडर द वैक्सीन डिप्लोमेसी।
और इट डेफिनेटली शोज कि वी डू हैव अ वेरी स्ट्रांग वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, सीरम की वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग इन लैक्स है और हमारी एबिलिटी भी है. लाइक दिस इज अ वेरी वेरी गुड टाइम ऑल्सो जब इंडिया अपना ग्लोबल इमेज बूस्ट कर सकती है. ऐसे में 37 कंट्रीज ऐसी हैं जिनको हमने फ्री में वैक्सीन दिया है अंडर दी कोवैक्स. तो अगर चाइना जो है, चाइना इज एक्चुअली वन ऑफ द मेन कॉन्ट्रीब्यूटर इन दी वैक्सीन ऑल्सो, इट वॉज मेन कॉन्ट्रीब्यूटर इन दी कोरोना केसेस ऑल्सो. सो ऐसे के अंदर अगर हम चाहें कि हम चाइना से कम्पीट करें तो चाइना की जितना मैन्युफैक्चरिंग है उतना इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग बूस्टेड अभी नहीं है. 34 मिलियन डोजेज जो है वो हमने अभी तक कमर्शियल डील के अंदर दी है, लगभग 37 हमने फ्री में दी है. हालांकि मैन्युफैक्चरर जो है वो भी अपने कमिटमेंट को फुलफिल करने में, उनके जो कमर्शियल ऑब्लिगेशन है उनको फुलफिल करने के लिए वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं. हालांकि दे आर ऑल्सो बींग क्वेश्चन आर ऑल्सो बींग रेज बिहाइंड द रेशनल्स की जब आपके घर में इतनी दवाई की कमी हो रही है, जब हमारे खुद के घर में डोमेस्टिक डिमांड हमारी बहुत ज़्यादा है और डोमेस्टिक सप्लाई हमारी कम हो रही है, तो वाई वी नीड टू सेंड इट आउटसाइड. बट अगेन द क्वेश्चन ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन कम्स कि इट इज़ नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अवर सिटीजन्स, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अवर ग्लोबल सिटीजन्स ऑल्सो. तो ऐसे में कितनी बुरी है शॉर्टेज दवाइयों की. 90% जो डोजेज हैं इंडिया में वो कोविशील्ड की है और कोविशील्ड अभी सीरियस सप्लाई कंस्ट्रेंट्स से गुजर रहा है. सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कोविशील्ड को प्रोड्यूस करता था यहाँ पे लगभग 10 करोड़ डोजेज ऑफ द वैक्सीन सप्लाई कर चुके हैं ये सेंटर को. ओरिजिनल प्लान था कि 10 करोड़ डोजेज जो है वो मे मंथ फ्रॉम द ओरिजिनल की एक प्रोडिक्शन सेटअप करा जाएगा कि 10 करोड़ डोजेज जो है वो मई से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी. और लेकिन जनवरी में जो अपकमिंग फैसिलिटी में एक फायर लग गया था जिसके बारे में आपने डेफिनेटली न्यूज में पढ़ा होगा, उसकी वजह से कंपनी का, हालांकि वो बोल रहे हैं कि उनका सप्लाई इफेक्ट नहीं हुआ है, लेकिन डेफिनेटली इसके प्रोडक्शन को, इनके प्लान को कहीं ना कहीं इस फायर इवेंट ने इम्पैक्ट करा था. सीरम इंस्टीट्यूट अभी भी बोल रहे हैं कि दे आर सप्लाइंग अराउंड 6 करोड़ डोजेज ए मंथ, 6 करोड़ वैक्सीन अभी भी हर मंथ में सप्लाई हो रही है. और हालांकि इसके बाद भी रिसेंटली रिसर्च सेड दैट इतनी सप्लाई के बाद भी अगर हम हमारी पॉपुलेशन के अंदर हर दिन बहुत बड़ी मात्रा में वैक्सीन लगाएंगे तो भी हमको लगभग 2.5 साल लगेंगे जब तक हम हमारे पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीन लगा देंगे. ऐसे में भारत बायोटेक का जो कोवैक्सीन है इट सेज कि वो 1 करोड़ डोजेज सप्लाई कर सकते हैं एक मंथ में. सो दैट मीन्स अराउंड 7 करोड़ हमारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड से आ रही है. तो क्या रीज़न क्या है इस डिफिसिट का. 1 अप्रैल से जब वैक्सीन चालू हुआ था तब और अभी भी लगभग 45 साल से ऊपर अगर आपकी उम्र है या फिर आप अगर फ्रंट लाइन वॉरियर हैं तो ऐसे में आपको वैक्सीन लगती है. लेकिन पिछले कुछ एक महीने में जो केसेस राइज हुए हैं, 1.5 लाख तक के केसेस एक दिन में आ रहे हैं और जो यूनिवर्सल एक्नॉलेजमेंट है फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड द एक्सपर्ट कि फाइनली वी आर गोइंग थ्रू द सेकेंड वेव. इनिशियली कहा जा रहा था कि इंडिया ने जो सेकेंड वेव है उसको स्किप कर दिया है, बट इट सीम्स लाइक कि वो प्रिडिक्शन काफ़ी गलत था. एंड द ग्रोइंग नंबर ऑफ द टेकर्स ऑफ द वैक्सीन फ्रॉम द लेट मार्च बहुत बढ़ गए हैं क्योंकि अभी एवरीबडी स्केयर्ड, ये बहुत कंटेजियस, इसका मोर्टैलिटी रेट इज ऑल्सो हाई. तो इंडिया में इनिशियल वैक्सीनेशन हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन और जिनकी उम्र 60 साल और उसके बाद में 45 साल से ऊपर है, इन लोगों के अंदर सबसे पहले वैक्सीनेशन करवाया गया है. लेकिन कंसर्न्स फिर भी रेज यही होते हैं, स्पेशली विद द न्यू एंड मोर ट्रांसमिसिबल वेरिएंट जो आ रहा है, जहाँ पे बहुत सारे लोग जिनको वैक्सीन लग चुकी है दोनों डोजेज लेकिन फिर भी उनमें कोरोना के केसेस पाए गए हैं. हालांकि ये भी कहा गया है कि ये जो केसेस हैं ये वैक्सीन खुद अपने आप में एक एंटीबॉडी लेके आती है, तो मे भी जो रिजल्ट आया है पॉजिटिव आपका वो उस एंटीबॉडी को काउंट कर रहा है. लेकिन कुछ केसेस ऐसे भी हैं जहाँ पे फिर से कोरोना पाया गया है. तो ऐसे में जो नया वेरिएंट आ रहा है, ये नया वेरिएंट इज इवन मोर डेंजरस क्योंकि वैक्सीन उस नए वेरिएंट के लिए रेजिस्टेंट नहीं है. तो ऐसे में सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करना अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है. जस्ट बिकॉज आपको वैक्सीन लग गई है का मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना भी नहीं होगा. ऐसे में इलेक्शन की रैली हो गई, चाहे मास गैदरिंग हो गई कुंभ मेला पे, चाहे हम इकोनॉमिक लाइफ को नॉर्मलाइज करने की बात करें, तो जो सेफ्टी एटिकेट्स हैं, सेफ्टी एटिकेट्स को हल्के में लेने की अगर हम कभी कभी कोशिश करते हैं कि मास्क लगाया उसे ठीक से नहीं लगाया, हमने डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा, हमने हमारे हाथ को चेहरे पे टच कर लिया और हमने अपना सैनिटाइजर पास में नहीं रखा, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको और भी ज़्यादा डेंजरस बना रही है. इंडिया हैज़ डोनेटेड सो मच ऑफ द वैक्सीन अराउंड द ग्लोब. इंडिया का वैक्सीन डिप्लोमेसी इज गोइंग प्रीटी वेल, लेकिन
हमारे सेकंड वेव, सेकंड जो कोरोना वेव आया है, इससे जो सप्लाई कैलकुलेशन अपसेट हुआ है उसको सही करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो ऐसे में हम कब उम्मीद कर सकते हैं कि जो शॉर्टेज है वो कब खत्म हो जाएगी? बोथ सीरम और भारत बायोटेक दोनों ने सरकार से कुछ और फंड की डिमांड करी है ताकि वो अपनी फैसिलिटीज को एक्सपेंड कर सके। इसके साथ में पीएमओ ने एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है कि जो बाकी वैक्सीन है, जैसे जॉनसन एंड जॉनसन का एक डोज लगता है, जाइंडस हो गया है, सिडीरिया हो गया है, नोवेक्स हो गया है, या फिर जो नेसल बेस्ड वैक्सीन होती है भारत टेक की, इन सबको मार्केट में अलाउ कराया जाए। प्राइवेट प्लेयर को भी इसमें लेके आया जाए ताकि प्राइवेट वैक्सीनेशन भी स्टार्ट हो सके। रशिया की जो स्पुतनिक 5 है वो डॉक्टर रेडीज सप्लाई करेंगे और वो भी शायद मई या जून से अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे में सेंटर को जरूरी है कि वो नए वर्क प्लेसेस के साथ कोऑर्डिनेट करे वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। प्रिस्क्राइब्ड एज लिमिट अभी तक चेंज नहीं हुई है, लेकिन सप्लाई हमको और भी ज्यादा इंक्रीज करनी पड़ेगी। इंडिया डिस्पाइट बीइंग अमंग द टॉप 5 कंट्रीज इन द डेली वैक्सीनेशन, अभी भी हम अगर हम बात करें एबिलिटी टू एडमिनिस्ट्रेट द 2 फुल डोजेज और उसके बाद में उसके कितना उस पॉपुलेशन में वो परकुलेट हो रही है, इन सब चीजों में अभी भी हमारा टर्म काफी लोअर आ रहा है। सो दिस वॉज वन वेरी सिंपल आर्टिकल कि इंडिया में कोविड वैक्सीन का क्या सिचुएशन है, जो क्रंच आ रहा है उसे कब कैसे कितना कम करा जा सकता है। इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दिस इज इट, आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद।